अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि विंडोज़ 10 में हम इंटरनेट की स्पीड को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। आप में से मेरे बास दोस्तों ने विंडोज़ 10 को इस्तेमाल किया होगा, तो आप देखते होंगे कि इंटरनेट की स्पीड जो, अगर हम इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इस्तेमाल कर रहे हैं या यू टोरेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो काफ़ी स्लो डाउनलोडिंग हो रही होती है। इसकी विंडोज़ 10 में एक वजह है कि विंडोज़ 10 में जो उसने लिमिट रखी हुई है रिजर्वेबल बैंडविड्थ के लिए, वो 80% रखी हुई है। तो हमने उसको क्या करना है, हमने उसको ज़ीरो करना है कि लिमिटेड रिजर्व बैंडविड्थ वो ज़ीरो हो, ताकि हमारे जो इंटरनेट की जो डाउनलोडिंग है उसको जो 80% जो रिजर्व बैंडविड्थ है वो भी मिले, ताकि हमारे डाउनलोडिंग की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाए। तो वो हम विंडोज़ 10 में किस तरह कर सकते हैं, हमने अपने विंडोज़ 10 के स्टार्ट में चले जाना है। और यहाँ पर हमने विंडो आर प्रेस करना है। यहाँ पे हमने जी पी एडिट डॉट एम एस सी लिखकर एंटर कर देना है, तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर। इसमें हमने जो है कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन में चले जाना है। कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपने जो है एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने नेटवर्क पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने क्यूओएस क्वालिटी ऑफ सर्विस पैकेट शेड्यूलर पर क्लिक कर देना है, और इसमें लिमिटेड रिजर्वेबल बैंडविड्थ पे क्लिक कर देना है। आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, लिमिटेड रिजर्वेबल बैंडविड्थ उसका टाइटल होगा, उसमें नॉट कॉन्फ़िगर्ड पे जो रेडियो बटन है वो चेक हुआ होगा, और नीचे बैंडविड्थ लिमिट परसेंट आपके पास वो एडिटेबल नहीं होगा। आपने क्या करना है, इनेबल पर क्लिक करना है, इनेबल्ड पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 80% जो बैंडविड्थ है वो रिजर्वेबल में गई हुई है। तो आपने इसको क्या करना है, ज़ीरो कर देना है, अप्लाई करके ओके कर देना है। बस इतना सा काम करना है, और आप देखेंगे कि आपके इंटरनेट की स्पीड पहले से कितनी ज़्यादा बेहतर हो चुकी होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की होगी। तो दोस्तों, अगली अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।